महाराष्ट्र प्राक्तन मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस महाशय देवेंद्र जी के बक्तव्य रखार जन्य अनुरोध कर भारत माता की जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम बोल सिया बोल रामचंद्र की अमर सुत हनुमान की उमापति महादेव की बोलो जी भाई सब संतन की सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम। मंच पर उपस्थित ममता दीदी का किला ढहाने के लिए जो सेनापति अब मैदान में उतरे हैं, ऐसे हमारे शुभेंदु दा अभी अभी हमारे बीच से हमको भाषण भी सुनाया और गाना भी सुनाया, ऐसे बाबुल सुप्रियो जी, सुनीत दास जी, सदानंद संपादक जी, सुमन दत्त जी, दुलबर मंडल जी, लक्ष्मीकांत मुखर्जी, मंच पर उपस्थित संजीव सरकार जी, सोमनाथ बैनर्जी, सपन दास जी, मंडल जी, दत्त जी, गौतम चौधरी जी, अमृता बैनर्जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे तमाम बहनों और भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आमी आपनादेर सबाई के भालोबाशी। बांग्ला आमादेर भारत भाषेर सर्वश्रेष्ठ राज्य आछे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर मातृभूमि, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जीर जन्मभूमि आछे। आमी सोनार बंगाल के शत शत नमन करी। इससे ज्यादा बंगाली मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। मैं अभी अभी जब आ रहा था तो मीडिया के एक मेरे भाई मुझे मिले और मुझसे कह रहे थे दक्षिण 26 परगना में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी आंधी मैंने कभी नहीं देखी। इतने लोग जहाँ देखो वहां तक लोग दिखाई पड़ते हैं। परिवर्तन तो होने वाला है, परिवर्तन तो अटल है, अब बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। लेकिन बहनों भाइयों, ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली है, केवल सत्ता के परिवर्तन के लिए नहीं है, केवल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, हमें परिवर्तन करना है राज का नहीं, हमें परिवर्तन समाज का करना है। राज बदलने के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा निकली है। समाज के अंतिम व्यक्ति का जीवन बदले, समाज का गरीब, समाज का पिछड़ा, हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई है। और मेरा विश्वास है जिस प्रकार से बंगाल में परिवर्तन यात्रा को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों ने तय कर लिया है। अब लोग ये चाहते हैं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बंगाल के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अरे ममता दीदी कहती है कि बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। बाहर के लोग कौन है भाई? हम तो भारत के लोग हैं। क्या बंगाल भारत में नहीं है? क्या कोई बांग्लादेश से यहाँ पर आ रहा है? हम तो सारे भारत के लोग हैं। लेकिन हमारे अमित शाह जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा, ममता दीदी बंगाल का मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा और ऐसा व्यक्ति बनेगा जो बंगाल में ही पैदा हुआ, बंगाल में ही पढ़ा, बंगाल में ही समाज सेवा किया और बंगाल के लिए जिसने अपना जीवन दिया, ऐसा ही मुख्यमंत्री बंगाल में बनेगा। अब ममता दीदी के पैर के नीचे जमीन खिसक रही है और इसलिए क्या हालत है देखिए, मैं तो हैरान हूं। देश में ऐसी भी कोई मुख्यमंत्री हो सकती है जिनको जय श्री राम कहने पर गुस्सा आता है?
जय श्री राम कहने पर गुस्सा आता है। अरे ममता दीदी मुझे बताइए, जय श्री राम बंगाल में नहीं कहेंगे तो क्या बांग्लादेश में जाकर कहेंगे? अरे बंगाल में ही कहेंगे ना, जय श्री राम तो बंगाल में ही कहेंगे। कहती है भारत की यह संस्कृति नहीं है। दीदी भारत की संस्कृति राम है, भारत की संस्कृति श्री कृष्ण है, भारत की संस्कृति में प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का जो महत्व है उसको कोई नकार नहीं सकता। अरे हमारे तन में राम, हमारे मन में राम, हमारे रोम रोम में राम है। उस राम को आप नकारने की कोशिश मत करिए, उसको नकारने की कोशिश मत करिए। क्या हालत हो गई बंगाल की, एक जमाने में जो बंगाल भारत का सर्वाधिक समृद्ध राज्य हुआ करता था, भारत की सारी अर्थव्यवस्था इसी बंगाल से चलती थी, भारत का सारा इंडस्ट्री उद्योग बंगाल से चलता था, भारत का सारा पैसा बंगाल से आता था। अगर देश का विचार कहीं था तो बंगाल में था, देश का संस्कार कहीं था तो बंगाल में था, देश की संस्कृति कहीं थी तो बंगाल में थी, देश की जो अनुभूति थी वो कहीं थी तो बंगाल में थी, और देश की समृद्धि कहीं थी तो वो भी बंगाल में थी। इसीलिए हम कहते थे अमर सोनार बांग्ला। इस सोनार बांग्ला की हालत क्या हो गई, ये टीएमसी के लोग हमारे सोनार बांग्ला का सोना लूट लूट कर चले गए। और आज ये जो परिवर्तन हमको करना है, ये जो लूटा हुआ सोना है, ये लूटा हुआ सोना वापिस बंगाल को देना है। और इसीलिए शुभेंदु जैसे, शुभेंदु दादा जैसे एक राष्ट्रभक्त आज हमारे साथ आए हैं, और ममता जी का किला अब शुभेंदु जी आए हैं, तो ममता जी समझ लीजिए आपके सारे हथकंडे भी हमको मालूम है। ममता जी आप जो लड़ाई करती है, आप जिस प्रकार के हथकंडे करती है, अब तो हमारे पास शुभेंदु दा है, अब उनके भरोसे आपके हथकंडों को वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और इसलिए डरने की बात नहीं है, अब कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है तो हमारे अमित जी ने कह दिया, अमित भाई ने कर दिया, चुनाव में कोई गुंडागर्दी करेगा ऐसे गुंडे को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और जेल के अंदर बंद करेंगे। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ पर एक ही चीज चलेगी, मोदी जी का विकास, मोदी जी के विकास का जो पैसा है, मोदी जी के विकास की जो गंगा है, जिस गंगा को रोकने का काम ममता दीदी ने किया। मैं हैरान हूँ आज 3,00,000 करोड़ रुपया इस बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किया, ये पैसा कहाँ गया, ये किसके पास गया? अरे ये क्या हालत हो गई, बंगाल कंगाल हो गया और अभिषेक माला माल हो गया, ये कौन सी नई परिस्थिति यहाँ तैयार हो गई, ये हमारे पैसे कहाँ चले गए, ये किसने ले लिए, ये गरीबों के पैसे थे, ये घर के लिए पैसा था, ये शौचालय के लिए पैसा था, ये सिलेंडर के लिए पैसा था, ये इलाज के लिए पैसा था, ये बीमे के लिए पैसा था, ये मेरे किसानों के लिए पैसा था, ये मेरे मजदूरों के लिए पैसा था, ये सारा का सारा पैसा, ये सारा का सारा पैसा ये खा गए। एक एक पैसे का हिसाब होगा, चिंता मत करना, मोदी जी का पैसा कोई खा नहीं सकता, मोदी जी का पैसा जो खाता है वो जेल ही जाता है। और इसलिए मोदी जी का पैसा कोई खा नहीं सकता, एक एक पैसे का हिसाब होगा और बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता, शुभेंदु दा भी यहाँ पर है, उनको भी आगे जाना है। मैं केवल आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई केवल विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंगाल के भविष्य का फैसला करेगा, बंगाल के भाग्य का फैसला करेगा, आपके भाग्य का फैसला करेगा, आपके बेटों के भाग्य का फैसला करेगा। और इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। बोलिए परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होबे, परिवर्तन होबे, परिवर्तन होबे, होबे तो, होबे तो। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।